पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, या एक समकोण त्रिभुज में कर्णफल का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भी कहेगा तो हमें पाइथागोरस प्रमेय ही सिद्ध करना होगा। यदि लिख करके कहेगा तो हम लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कर्णफल का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया हुआ है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यह मालूम हो जाना चाहिए या हमें याद होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तब हम क्या करते हैं कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है उसको जानते हैं। तो कहा है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। हम कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो देखते हैं, एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे दिया ए बी सी, बी को 90 डिग्री। अब यहाँ पे पी क्यू आर भी लिख सकते थे, तो क्यू को पी क्यू, क्यू को 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्यू लिखना पड़ता, यहाँ पे पी क्यू आर लिखना पड़ता। अब आगे ये तो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई कोण समकोण है। अब उसके बाद सिद्ध है क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी ए बी ए सी का जो वर्ग होता है, वह अन्य दो भुजाओं यानी ए बी के स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। दोनों को जब जोड़ देंगे अन्य दो भुजाओं को, तो यह योग के बराबर होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना रचना क्या किया कि बी से इस भुजा पर हमने लंब डाल दिया। अब जो लंब डाला उसका नाम दे देते हैं कि यह डी है, तो बी डी क्या हो गया, लंब हो गया, किस पे, ए सी पे। रचना हमने क्या किया कि बी डी जो है लंब डाल दिया किस पे, अथवा कि ए सी पे, ये काम किया, खींचा। अब इसे प्रमाण यानी सबूत देना पड़ेगा कि आखिर ये होता है तो ठीक है, होता है कैसे होता है। इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रमाण या उपपत्ति भी, जिसे हम लोग कहते हैं उपपत्ति। प्रमाण भी यहाँ पर लिख सकते हैं या उपपत्ति भी लिख सकते हैं। अब उपपत्ति के मतलब क्या हुआ कि सबूत देना है कि आखिर यह हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आखिर यह हो जाएगा कैसे। तो हम जो भी करेंगे यहाँ पे चित्र के जरिए समझेंगे और यह काम करेंगे। तो इसमें हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन समरूपता प्रमेय होता है क्या। तो यदि कोई त्रिभुज होता है, दो यदि कोई त्रिभुज होता है, दो त्रिभुज होना चाहिए, एक अलग अलग ए और बी। यदि ए और बी दो त्रिभुज है और उनमें यदि एक कोण 90 डिग्री, या यदि जैसे मान लिया जाए कि दो त्रिभुज है ए, अगर इसका कोण और इसका कोण दोनों के यदि दो कोण आपस में संगत कोण बराबर हो जाता है, तो यह जो कोण होता है वह समरूप हो जाता है। क्यों, तीसरा कोण शेष होता है, क्योंकि शेष कोण के कारण तीसरा भी बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोण समकोणिक होता है तो वह समरूप कहा जाता है, समरूपता में कोण है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे, त्रिभुज ए डी बी और
ए बी सी में, ए डी बी, ए डी बी यानी ये त्रिभुज, और एक ए बी सी, ए बी सी पूरा में, देखिए पूरा की बात करते हैं ए बी सी की, तो यहाँ पे बी जो है समकोण है, और ए बी डी की बात करते हैं तो ये डी समकोण है, और देखिए ए बी सी में ए है शामिल और ए बी डी में भी ए है शामिल, यानी यदि कोई भी एंगल यदि दो त्रिभुजों में समान हो तो उसको हम समकोणिक कहते हैं, या एक ही कोण है तो उभयनिष्ठ भी कहते हैं, ठीक है उभयनिष्ठ कहते हैं, सॉरी उभयनिष्ठ कहते हैं, क्योंकि एक ही चीज दोनों में शामिल हो, तो एक ही चीज यदि दोनों में शामिल होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण ए डी बी में यानी ए और ए बी सी में भी ए, दोनों क्या है एक ही कोण की बात किया जा रहा है, इसलिए दोनों कोण बराबर है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह जो कोण है वह उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जो दोनों में शामिल होता है, ठीक है तीन गो में भी शामिल हो सकता है, यानी वह सभी जगह हो। अब उसके बाद कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, देखिए ए डी बी यानी ये वाला ए डी बी ये भी 90 है और ए बी सी ये भी 90 है, दोनों क्या है 90 90, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है 90 डिग्री कोण है, ठीक है कितना डिग्री 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये दोनों त्रिभुजों में क्या है कोण दो को बराबर हो गया, तो इसलिए इसे हम इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि क्यों क्यों कि ये जो यह ऐसा हो गया क्यों, क्योंकि कोण कोण समरूपता से, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए कोण कोण सम रूपता परमेय से, परिमेय से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब यदि कोई त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाएं अनुपातिक हो जाती है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि ए डी बटे ए बी, ए डी कौन है तो ए डी ये दोनों ले रहे हैं, तो इसमें भी आगे वाला लेना पड़ेगा ए बी, बराबर ए बी बटे, यदि ए बी ले रहे हैं तो इसका ए सी लेना पड़ेगा ए सी। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ए बी में ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें ए डी में ए सी से तो हो जाएगा ए डी गुने ए सी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या करते हैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज जो बाकी बच गया है इसमें अब चलते हैं। अब त्रिभुज बी सी, बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं कौन सी बराबर कौन सी, देखिए ये सी जो है ये बड़ा त्रिभुज में भी और छोटा त्रिभुज में, तो सी सी क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब उसके बाद कौन बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, देखिए डी यानी ये वाला 90 डिग्री है और बड़ा वाला में बी है, इसलिए डी और बी क्या है बराबर है, यानी 90 डिग्री का कोण। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में एक कोण बराबर है और दूसरा कोण 90 90 डिग्री का है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल एंगल यानी कोण कोण सम रूपता परिमेय से क्या हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो जब समरूप हो गया तो उनके भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है,
डीसी बटे बीसी, डी डी सी बटे बीसी बराबर बीसी, बी सी ले रहे हैं तो ए सी लेना पड़ेगा, ए सी। यदि फर्स्ट दो कौन ले रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट दो लेना पड़ेगा, अगर लास्ट दो ले रहे हैं तो लास्ट दो लेना पड़ेगा, यदि बीच वाले छोड़ रहे हैं तो इसमें बीच वाले छोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, बी सी बी सी गुना करेंगे तो बी सी बी सी कितना हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी सी इंटू ए सी हो जाएगा। इसको मानते हैं फर्स्ट, अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, फर्स्ट जोड़ सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड जोड़ेंगे तो ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर एल एच एस की तरफ, आर एच एस की तरफ क्या हो जाएगा, ए डी गुने ए सी जोड़ डी सी गुने ए सी। अब ए सी ए सी दोनों में है तो ए सी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ए सी बच गया, ए डी इधर क्या बच गया, डी सी। अब देखिए ए डी जोड़ डी सी, ए डी जोड़ डी सी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए सी, और पहले से क्या था ए सी, अब ए सी ए सी गुना होगा तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। हमने क्या देखा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया क्या, ए सी स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था, ए सी के स्क्वायर जोड़ ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर, तो यह आ गया क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया।